गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने हॉलीवुड के तर्ज पर देश के तमाम फिल्म कलाकारों को रियलिटी दिलाने की बात सदन में उठाई है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दरमियान आज सांसद ने सदन में फिल्मी कलाकारों के लिए रॉयल्टी दिलाने को लेकर क्या कुछ कहा, यह आप जरूर सुने। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमारे सीनियर नेता माननीय अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी ने एक आवाज उठाई थी सिनेमा इंडस्ट्री के कलाकारों के, सिंगर्स के लिए, लिरिक्स राइटर्स के लिए। आज उन लोग धन हो गया, उनको रॉयल्टी मिल रही है और वो लोग बड़े शुक्रगुजार हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं उनकी आवाज़ बनकर इस सदन में दोबारा एक निवेदन करना चाहता हूँ वो समस्त भारत के कलाकारों से, जो हॉलीवुड में भी है ये सिस्टम है रॉयल्टी का, कि एक सिनेमा लगे अध्यक्ष महोदय जी, तो सिनेमा लगने के बाद कलाकार को एक मेहनताना मिलता है, उसके बाद उसको पैसे नहीं मिलते और कितने कलाकारों की मृत्यु होती है भुखमरी से, गरीबी से, फिल्म हिट हो जाती है। तो मैं चाहता हूं अपनी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत सोचती है, तो मैं अपनी सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समस्त भारत के कलाकारों द्वारा कि सिनेमा के पर्दे पर जितना उनका फुटेज रहे, प्रेजेंस ऑफ एक्टिंग के दौरान जितना उनका फुटेज रहे, वो सिनेमा जब एक समय तक चले, उसके बाद दोबारा जब लगे कहीं पे भी, वो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो, तो एक रॉयल्टी कोई भी परसेंटेज तय हो जाए, एक रॉयल्टी मिले, तो कलाकार जिंदगी भर के लिए बहुत खुश होंगे। जैसे हॉलीवुड में है, चाइना में है, तो मैं चाहूँगा हिंदुस्तानी कलाकारों के लिए, हिंदुस्तान के अन्य भाषा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी सब कलाकारों के लिए एक रॉयल्टी तय हो जाए, धन्य हो जाएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से रवि किशन ने संसद को अवगत कराया कि फिल्म क्षेत्र में मोदी सरकार के कार्यकाल में काफी विकास का कार्य हुआ है, लेकिन तमाम फिल्मी कलाकारों के लिए, चाहे वो बॉलीवुड के हों या कोई भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के कलाकार हों, उनके लिए रॉयल्टी सिस्टम शुरू किया जाए ताकि उन्हें एक अलग सम्मान मिल सके, और इसका आग्रह उन्होंने सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री से की है। देखना दिलचस्प है कि उनकी मांग कब तक पूरी होती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।